नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूँ, चूँकि आपके दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशंस पास में हैं, आपको वहाँ पे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पूछा ही जाएगा, तो टॉप 300 क्वेश्चंस। और ये मैं आने वाले पाँच सेट में टॉप 300 क्वेश्चन जो है मैं प्रेजेंट कर दूंगा, और मैं 100% कह रहा हूँ आपको कि यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। और करंट अफेयर के लिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारा जो दूसरा चैनल है विमलेश यादव सर, जो है विमलेश यादव सर सर्च करके आप करंट अफेयर की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिस पे आज की करंट अफेयर मैंने डाल दी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी डाल रखा है, ठीक है। प्लस वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करेगा, शेयर करेगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेगा। तो आज हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन यानी राज्य व्यवस्था और संविधान के 300 क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। हम 25 का सेट पहले दिन प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसको हम अधिक करेंगे 50, फिर 75, यानी ऐसे बढ़ा बढ़ा करके 5 सेशन में पूरी कोशिश करेंगे कि हम 300 क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दें। क्योंकि जैसे ही आप पहला सेशन है ये, तो आप इजी क्वेश्चन देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपडेट करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इजिली समझ में भी आ जाएंगे, प्लस डिटेल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करते हुए चलूंगा। तो दिल्ली पुलिस के लिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और भाई अदर एग्जामिनेशन के लिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है, यानी व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो देखिए, सभाएं की बात हुई है तो पता है आपको कितनी टोटल सभाएं हुई थी, तो टोटल 12 सभाएं हुई थी, ठीक है। मैं बता देता हूं टोटल कितनी सभाएं हुई थी, 12 सभाएं हुई थी, और हमारा संविधान बन गया था। हमारे संविधान को बनाने का जो मेन जो रीजन कहा जाता है, जो मेन प्लान कहा जाता है, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ध्यान रखिएगा, 1946 का कैबिनेट मिशन जो है, इसे ही क्रेडिट जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, हमारा संविधान बनाने का, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और पहली सभा अगर पूछा जाएगा, पहली बैठक कब हुई थी भाई, तो वो हुई थी 9 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 1946 में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अध्यक्ष थे, अगर पहली बैठक का पूछा जाएगा। दूसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद हुई, 11 दिसंबर को हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष हो गए हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ये भी ध्यान रखिएगा। टोटल 12 बैठकें हुई थी, हमारा संविधान बन गया, 64 लाख रुपए लगे थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा बात करी जाएगी तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, जो कि आपको पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन से पहले एक और मिशन आया था 1942 में, वो था क्रिप्स मिशन। इससे भी जो है संविधान बनाने की बात कही गई थी कि जो दूसरा विश्वविद्यालय है उसमें से हम जब वापस आएंगे तो भारत का संविधान बना दिया जाएगा। लेकिन क्रिप्स मिशन जो है, इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक है, यानी इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। तो पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था, तो वो कहा था क्रिप्स मिशन को, जो कि 1942 में बनाया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1946, 1946 कैबिनेट मिशन के तहत 12 सभाएं लगी तो हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिए आपके पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो देखिए, जो संविधान की प्रारूप समिति होती है, बेसिकली प्रारूप होता क्या है, तो ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी संविधान में क्या क्या चीजें होंगी, ये ड्राफ्ट क्या क्या होगा ये, और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष यानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया, 29 मार्च 1947 को। कब बनाया गया भाई, 29 मार्च 1947 को बनाया गया आपका ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी जो है कि प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति, प्रारूप मसौदा समिति कहते हैं। ये आपको पूछा जाता है कितने मेंबर थे, आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, तो 7 मेंबर थे। किसमें, तो इसमें जो है आपके प्रारूप समिति में 7 मेंबर होते थे, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, भीमराव अंबेडकर ने करी थी। 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था हमारे संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए, प्रारूप बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बाय विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, मैं आपको सबसे पहले आंसर तो मैं बताऊंगा ही, सबसे पहले 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, तो समाजवाद आपको दिख रहा है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता दिख रही है, और तीसरा शब्द क्या हो जाएगा, अखंडता, ध्यान रखिएगा, अखंडता भी जोड़ी गई थी। यानी क्या हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन में, 1976 में। देखिए, 42वां संविधान संशोधन एक क्वेश्चन आपका बनाता है,
क्या क्या बनाता है? 42वां संविधान संशोधन जो है वो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, तो छोटा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको। 1976 में हुआ था जो है 42वां संविधान संशोधन। इसी में हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, राइट्स नहीं। राइट्स तो आपका शुरू से ही ऐड था। मौलिक कर्तव्य जो हमने कहाँ से लिए थे? रशिया से लिए हुए थे, ठीक है। ये जोड़ा गया था जिसको, मौलिक कर्तव्य को किस आर्टिकल में रखा गया? 51A में रखा गया, ये ध्यान रखिएगा। और टोटल हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन को 1976 में आया था, जिसमें जो है समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता तीन शब्द जोड़े गए थे। और इसे क्या कहा गया? तो वो कहा गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए बात आई है आपकी जो है संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन हमने लिया कहाँ से? वो हमने लिया साउथ अफ्रीका से, ठीक है। किस आर्टिकल में भाई? 368 में, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस अगर मैं पूछूं आपको कि हमारे भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1951 में, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन हो गए। 1951 में भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन हमने लिया कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। किस आर्टिकल में? 367वें आर्टिकल में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ, ठीक है। तीन शब्द जोड़े गए, समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता। और इसमें जो है आपका मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 51A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया, और हमने कहाँ से लिया? रशिया से लिया, ठीक है। इतने क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, देखिए अभी पहला क्वेश्चन कैबिनेट मिशन वाले में मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, कब तैयार हुआ भाई? तो वो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, आप इसी मंथ में पड़ेगा 26 नवंबर। तो उसी दिन हम अपना कौन सा डे मनाते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस। पहले इसे कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब किस दिन के किस रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चले, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया 42वें संविधान संशोधन में सब कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में। यहाँ पे फिर देख लेते हैं, व्हाट इज द आइडिया अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया या फिर फ्रांस, यानी कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि कहाँ से हमने लिया है, रशिया से लिया है। रशिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिया। फ्रांस से हमने क्या लिया है? तो ब्रदरहुड हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं, भाईचारा हो गया। हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है आपका जो है कि फ्रांस से लिया है। रिपब्लिकनिज्म हो गया, यानी गणतंत्रता हुई, कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए है। स्वतंत्रता हो गया, फ्रीडम, कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए। ब्रिटेन से, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्या क्या लिया मैं भी बता देता हूँ यहाँ पे भी। देखिए सबसे पहला सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, कहाँ से? तो वो हो गया आपका ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी सांसदीय प्रणाली, सांसदीय प्रणाली हमने कहाँ से लिए भाई? वो भी हमने जो लिए, वो भी हमने यूके से लिए, यानी ब्रिटेन से लिए, ठीक है। उसके अलावा आपका मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, मतलब हिंदी में क्या हो गया? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में आपके कैबिनेट मिशन, पीएम सब आ जाते हैं, ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। उसके अलावा लॉ मेकिंग प्रोसीजर यानी कानून बनाने की प्रक्रिया भी हमने कहाँ से लिया है? तो वो भी हमने यहीं से ही लिया है। तो ये चार चीजें हो गई जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। यूएस से हमने क्या लिया, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वो भी ईजी है, मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पूछा जाएगा तो हमने कहाँ से लिया? तो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं यूएसए से, यानी जो है आपका अमेरिका से। उसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और संविधान की सर्वोच्चता, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा संविधान की सर्वोच्चता, ये बार बार आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर इतने सारे में कैसे याद करूं। तो ये देखिए ऑप्शन जो है वो बार बार आएंगे, और जितनी बार आएंगे मैं आपको याद कराऊंगा, रट जाएंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं, मुझे याद है, वैसे आपको भी याद हो जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता भी हमने यूएस से ली है। उसके अलावा इम्पीचमेंट पूछा जाएगा, महाभियोग, वो हमने कहाँ से लिया है? वो भी यहीं से लिया है। उसके अलावा पूछा जाएगा फ्री ज्यूडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, वो भी हमने कहाँ से ली? यूएस से ली। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रशिया। अभी जस्ट मैंने बताया 11 हमारे मौलिक कर्तव्य है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, रशिया से हमने लिया है। 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, और इसको 4A भाग में रखा गया, 4 क भाग में संविधान जो है इसको रखा गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजव्यवस्था में सर्वोच्च है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा? तो वो है हमारा संविधान। संविधान जो है वो सर्वोच्च है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए अनुसूचियों के बारे में पूछा, शेड्यूल्स के बारे में पूछा। तो स्टार्टिंग में जो हमारी अनुसूचियां थी, जब स्टार्टिंग में हमारा संविधान बना था, तो 8 था, उसके बाद इसको 12 कर दिया गया, और वो 12 ही है। वर्तमान में भारत में के संविधान में कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी 12, ठीक है। संविधान की द्वितीय अनुसूची में का संबंध किससे संबंधित है, यानी द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू,
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, ओथ से, या फिर सैलरी ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। तो देखिए, जो हमारी जो द्वितीय अनुसूची है वो किससे संबंधित हो जाएगी, तो वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जाता है। ठीक है, सारी अनुसूचियों के बारे में क्वेश्चन में आएगा और हम सब देखेंगे। ये क्वेश्चन तो मान लीजिए हो गया, दोबारा आ गया। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है सांसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, मंत्रिपरिषद, ये सब हमने कहाँ से लिया है? तो ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। ध्यान रखिएगा, सांसदीय प्रणाली हो गया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर यानी विधि निर्माण प्रक्रिया, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, उसके अलावा आपका जो है मंत्रिपरिषद यानी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। किस भाई जो है आपका आर्टिकल में जो धन विधेयक बताया गया, तो वो बताया गया 110वें आर्टिकल में। ध्यान रखिएगा, और धन विधेयक जो है वो लोकसभा में पारित होता है। धन विधेयक हो गया आपका, फाइनेंस बिल हो गया, ठीक है, उसके अलावा ग्रांट हो गया और बजट हो गया, ये सब आपको पूछा जाएगा आर्टिकल्स, और मैं सारे आर्टिकल्स आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? देखिए, जो जो चीजें हमने फॉरेन से ली है वो सब आपको ऑप्शन में धीरे धीरे करके आ रही है। देखिए, अभी पिछले मैंने मैंने चार ऑप्शन दिए थे, ये चार ऑप्शन बिल्कुल अलग हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं। तो डीपीएसपी पूछा गया है आपको, जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत पूछा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट स्टेट पॉलिसीज बेसिकली पूछा गया है। तो डीपीएसपी जो है हमारा 36 से 51 आर्टिकल तक है, भाग चार में रखा गया है। 36 से 51 आर्टिकल तक हमारा डीपीएसपी आता है, जो कि कहाँ से हमने लिया, वो हमने लिया है आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, वो हमने लिया है आयरलैंड से। अब आयरलैंड हमारा हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ली है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, यानी राज्य और केंद्र। ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। उसके अलावा यहाँ से प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है, आपको पूछा जाता है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वो भी हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अमेरिका से सब मैंने बता दिया, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ज्यूडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, महाभियोग, इम्पीचमेंट जिसको आप कहते हैं, उसके अलावा फ्री ज्यूडिशरी यानी जो है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। कनाडा से, वेरी इंपॉर्टेंट, तो कनाडा से हमने राज्यपाल की पोस्ट ली है, जो कि आपको पूछा जाता है कि राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया, वो कनाडा से। इस क्वेश्चन का आंसर आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? देखिए, क्या पूछा गया है, डिटेल ऑफ द बेसिक ड्यूटीज यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कौन सा, रशिया वाला, कितने हैं टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे, 11। कहाँ जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में, कब हुआ था, 1976 में। अब पूछा गया किस भाग में रखा गया है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था किस भाग में, 4A, 4 क में रखा गया है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, और भारत राज्यों का संघ, ये पार्ट वन में, पार्ट टू में आपकी नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और पार्ट फोर में डीपीएसपी। ठीक है, ये चीजें आपको पूछी जाती हैं, ये चारों मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन के आंसर भाग फोर होगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा गया, मौलिक अधिकार पूछा होता तो हम भाग तीन में चले जाते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने भी बताया था संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण भारत जो है कि आपका दक्षिण अफ्रीका से हमने ली है। और उसके अलावा पूछा जाएगा आपको कि किस आर्टिकल में, तो 367वें आर्टिकल में, और 367वां आर्टिकल किस भाग में आता है, तो वो आता है 20वें भाग में। ध्यान रखिएगा, 20वें भाग में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, भाग चार में डीपीएसपी आता है, अभी जस्ट मैंने बताया, भाग तीन में फंडामेंटल राइट्स आ गया, और भाग 21 में 370 यानी स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो जम्मू कश्मीर को दिया गया था और अब हटा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 20। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए, पूछा गया कि भारत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने जो है आर्टिकल और शेड्यूल्स थे, तो मैंने आपको बताया था कि कितने, तो 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल। अब ये बढ़ गए, वर्तमान में पूछा जाएगा, तो इन्हीं में से क अ ब करके इसको जो है 448 प्लस कर दिया गया है, अनुसूचियां 12 ही हैं, जो पहले 22 भाग हुआ करते थे हमारे स्टार्टिंग में, अब वो 25 भागों में बदल गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जबकि स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल थे, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हुआ करते थे, जिसको आप 448 प्लस, लगभग 500 जो है प्लस दिखाता है अभी, 448 प्लस आपके जो है कि आर्टिकल्स दिखा दिए गए हैं, अनुसूचियां 12 हैं और भाग जो है वो 25 हो गए। तो आपको जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वो कौन कौन से? देखिए, पूछा गया क्या है, समानता का अधिकार 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18, 13 से 17।
तो देखिए, जो सबसे पहले मैं बता दूं, ये समानता का अधिकार जो आता है वो सब किस में आते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, मौलिक अधिकारों में आते हैं। और मौलिक अधिकार कितने से कितने आर्टिकल तक है, तो वो हो जाएगा 12 से 35। 12 से 35 तक हम मौलिक अधिकारों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिसमें आपको पूछा गया समानता का अधिकार, तो वो 14 से 18 है। 14 से 18 में क्या है आपका, समानता का अधिकार। उसके अलावा 19 से 22 में हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। और 25 से 28 में क्या हो जाएगा आपका, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपको पूछा जाता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, जिसे आप समझ लीजिए इसका दिल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, यानी संविधानों का उपचार, ठीक है। ये किस आर्टिकल में रखा गया है, वो आर्टिकल 32 में। देखिए, आर्टिकल्स आप सुन करके थोड़ा आपको लगता है कि सर आर्टिकल्स तो बहुत टफ होते हैं, याद कैसे होंगे, तो कोई भी चीज़ कैसे याद हो सकती है जब उस पर हम प्रॉपर काम करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स मैंने आपको लगभग 10 से 12 आर्टिकल्स डिस्कस कर दिए। अब ये 10 से 12 आर्टिकल्स जब भी आपको पूछे जाएंगे, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसी तरह हम सारे आर्टिकल्स याद कर लेंगे, सिर्फ आपको रेगुलर रहना है, ठीक है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, यानी पूछा गया कि इसमें से अनटचेबिलिटी जो है किसमें प्रोहिबिट्स की गई है, किस आर्टिकल में, तो वो आ जाता है आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, जो कि आपको पूछा जाता है, ठीक है। चले, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, अभी जस्ट मैंने बताया कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946, किसने करी थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर हुई, जिसको किसने किया था, वो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा भारत के किस संविधान में के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो देखिए, बात आई है यहाँ पे नीति कमीशन की, किस आर्टिकल में रखा गया है, तो सबसे पहले ऑप्शन है 280, 282, 286, इनमें से कोई नहीं, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। देखिए, नीति कमीशन जो है ये भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है, और इसका जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या कहेंगे इसको हम, एक गैर संवैधानिक निकाय है, पूछा जाता है, आपको ध्यान रखिएगा, गैर संवैधानिक निकाय। और नीति कमीशन ने किसकी जगह ली है, तो पहले आपका योजना आयोग चलता था, जिसको आप प्लानिंग कमीशन कहते थे। प्लानिंग कमीशन कब चलाया गया था, तो वो चलाया गया था 15 मार्च 1950 को, ठीक है। 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन, जिसके तहत आपका 5 ईयर प्लान आता था, पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, ये तब चलाया गया था। अब इसको रिप्लेस करके आपका नीति कमीशन लाया गया कब, तो 1 जनवरी 2015 को नीति कमीशन को लाया गया, जो कि आपका भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, और इसका कहीं पे भी संविधान में जिक्र नहीं है, यानी इसको हटाया भी जा सकता है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 1 जनवरी 2015 को एस्टैब्लिशमेंट भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नीति कमीशन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो NITI लिखा हुआ है, एन से क्या हो गया, ये हो गया नेशनल, आई से क्या हो गया इंस्टीट्यूशन, टी से क्या हो गया ट्रांसफॉर्मिंग, और आई से क्या हो गया इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हो गया। इसके अगर चेयरमैन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसके जो चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो पदेन होते हैं, और कौन होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष है। उसके अलावा करेंट में वाइस चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर राजीव कुमार, पहले वाइस चेयरमैन कौन थे, अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में इसके सीईओ कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अमिताभ कांत, पहले जो है कि सीईओ कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके सिंधुश्री खुल्लर हुआ करती थी। इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है, किस आर्टिकल में, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट विच कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया कि एक आर्टिकल जो है जिसमें विधान परिषद की स्थापना भी दी गई और समाप्ति भी दी गई, और वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 169। ध्यान रखिएगा, 169वें आर्टिकल में विधान परिषद की समाप्ति भी दी गई है, और विधान परिषद का जो है कि स्थापना भी दी गई है, किस आर्टिकल में, 169। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए केंद्र में हमारा क्या होता है, केंद्र में हमारा क्या हो गया, संसद हो गया, उसके तहत तीन आपके अंग आते हैं, जो उसके अभिन्न अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उसी तरह राज्य में क्या आता है, हमारा विधानमंडल आता है, विधानमंडल में भी तीन भाग होते हैं, एक राज्यपाल डील करते हैं, यानी तीन अभिन्न अंग होते हैं, एक होता है आपका विधानसभा जिसमें MLAs होते हैं, और एक होता है विधान परिषद। अब ये विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, 7 में थी, अब 5 में हो गया, आंध्र प्रदेश ने भी लगभग हटा दिया है, और 2 राज्य लाने वाले हैं जिसमें उड़ीसा भी है, वो विधान परिषद लाना चाहता है। तो देखिए, विधान परिषद जो है वो आपका 169वें आर्टिकल में, विधान, अगर विधानमंडल पूछा जाएगा 168वें आर्टिकल में, और 170वें आर्टिकल में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जो है कि विधानसभा।
अब देखिए 169वें आर्टिकल में विधान परिषद को लाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। दो आर्टिकल आपके विधान परिषद से संबंधित है जो कि आपको पूछे जाएंगे, कौन कौन से। एक हो जाएगा आपका 169 और 171। देखिए 169 के तहत अगर किसी राज्य में विधान परिषद ला दिया गया तो 171 की तरह के तहत उसकी ड्राफ्टिंग होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर 169। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? वो हो जाएगा 335। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान आरक्षण का किस में है? तो वो है 335 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई कि इंडिया क्या है? तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि भारत क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का संघ है। ये भाग 1 में बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया, हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो देखिए अब बात करी जाए तो भारत के कितने राज्य हो गए हैं, 28 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को अलग करके राज्य से हटा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसमें से लेह लद्दाख भी अलग कर दिया गया है। तो पूछा जाएगा कि भारत में कितने आपके जो है कि राज्य हो जाएंगे, तो वो अब हो गए हैं 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो देखिए भाषा के आधार पर राज्य जो गठन हुए वो हुए 1956 में। और अगर पूछा जाएगा कि हु विच स्टेट इज क्रिएटेड फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, तो वो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कब? तो 1956 में। अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, और ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ इतने क्वेश्चन जितने आपने देखे वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। मैंने फिर से क्या है कि करंट अफेयर के लिए आप हमारा दूसरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। ठीक है, प्लस इस चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे चैनल को भी जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, वो विमलेश यादव सर से। और उस पर सिर्फ करंट अफेयर मिलेगा सुबह सुबह, और इस पर सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या बयालीसवें संविधान संशोधन जोड़े गए थे। देखिए पूछा क्या गया है, फंडामेंटल राइट्स। अगर यहीं पे फंडामेंटल ड्यूटीज होता तो हम सीधे 42वें के साथ चले जाते, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बोला गया है, और वो क्या था? हमारे मूल संविधान का ही हिस्सा था। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे मूल संविधान के हिस्सा थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। जितने भी लोग एस्पिरेंट हैं दिल्ली पुलिस के, या जिनके भी एग्जामिनेशन पास में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए ये तो मेरा एमसीक्यूज वाला कोर्स हो गया। अगर आपको अच्छा लगेगा, डिमांड करेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो मैं आपको क्रैश कोर्स में भी पढ़ाऊंगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी ग्रुप बना रखा है, चैनल बनाए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पर बेल होगी जिसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे।